गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज का आपका क्लास एट के लिए टॉपिक है टेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो टेंस होता है। टेंस होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी में टेंस का अर्थ होता है काल, लेकिन वास्तविकता में टेंस का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन का मतलब होता है टेंस इज डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। टेंस है वो समय को डिनोट करता है, समय के बारे में बताता है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसकी बात करें कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच डिनोट्स द टाइम, कि टेंस जो है वर्ब की फॉर्म होती है जो समय को डिनोट करती है, समय को अंकित करती है, समय के बारे में बताती है। अगली बात पर हम विचार करते हैं तो टाइप ऑफ टेंस, बेसिकली टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्यकाल। अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के टेंस होते हैं। अब प्रत्येक जो टेंस है उसका आगे भी हम विभाजन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स, कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। इनडेफिनेट टेंस या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो चार प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सबसे पहले हमने टॉपिक डाला प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये टेंस हमें किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार इसकी पहचान क्या होती है, इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के रूल्स हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, कोई हिंदी वाक्य है उसको अंग्रेजी में कैसे बनाना चाहिए, उसका रूल्स क्या होता है। तो यदि हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहचान क्या होती है, हिंदी में हमें किस प्रकार के वाक्य मिलते हैं जिससे हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की, हमारे पास हिंदी में किस प्रकार के वाक्य हों जिससे हमें ये पता चले। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी का एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली सेंटेंस वो पाँच प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। इस तरह के पांच प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान की बात करेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। सबसे पहले हमें ये बात ज्ञात हो चुकी है कि हिंदी में हमें किस प्रकार का वाक्य मिले जिसको कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की श्रेणी में रख सकें। तो इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं। पहचान जब क्लियर हो गई, हिंदी में आपको कोई वाक्य दिया गया हो उसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ और ते है आते हैं, तो सबसे मोटी पहचान यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो उसके अंत में है आना चाहिए। पास्ट टेंस की पहचान के अंत में था आना चाहिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आना चाहिए था, और उसके बाद फ्यूचर टेंस के एंड में लगभग ये आना चाहिए गा गे गी, इस तरह से। तो है आ रहा है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और ता आ रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। नियम्स की यदि हम बात करें तो पहला रूल्स ये कहता है कि इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए, वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं वो पाँच प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म। तो इस टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मूल वर्ब जो होती है उसका उपयोग करेंगे,
दूसरा नियम यह कहता है टीपीएस, टीपीएस का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसा कि हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा, प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उनके साथ वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, टीपीएस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यदि आपके वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन है, ही, जैसे मैं यहां पर देता हूं ही, सी, इट या दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, दे तो वैसे इसमें प्लूरल आ जाता है, ही सी इट, या किसी का नाम हो तो वो आता है आपके टीपीएस में थर्ड पर्सन सिंगुलर में। उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे, या तो जोड़ेंगे एस या जोड़ेंगे ईएस। अब ये दो चीजें एक साथ आ रही तो हमारे पास ये समस्या आती है कि कहां हम एस जोड़ें और कहां ईएस जोड़ें। तो मैंने यहां नोट डाल करके एक बात लिखी, जिन वर्ब्स के अंत में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स ओ हो, तो ई एस जोड़ देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी वर्ब के अंत में क्या आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स ओ हो, तो उनके एंड में तो हम ई एस जोड़ देंगे। बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं शेष के साथ हम एस जोड़ करके वर्ब को हम सिंगुलर से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। थर्ड रूल्स, अगर हमारे पास ये जो रूल्स थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस के थे, यदि वाक्य को हमें निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, जिसमें वाक्य में नोट का यूज किया गया हो, नकारात्मक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में नोट का यूज किया जाए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ नोट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ नोट का यूज करते हैं तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रूल नंबर 4 आता है, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य की सबसे बड़ी पहचान जो होती है कि वाक्य के एंड में क्या लगा हुआ होता है, प्रश्नवाचक सिंबल, ये प्रश्नवाचक जो साइन होता है इसका हम यूज कर सकते हैं, तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ये डू और जो डज आ रहा है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। सब्जेक्ट जो आ रहा है सेंटेंस में, जो भी सब्जेक्ट है उसके पहले किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तथा वाक्य के अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अभी इंट्रोगेटिव में भी यदि हमें नकारात्मकता का बोध लेना हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक, अगला सेंटेंस रूल नंबर 5 ये कह रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले रहेगी, प्रश्नवाचक रहेगा ही रहेगा, निगेटिव बनाना तो नोट सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें वाक्य, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले होते हैं और एक डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होने वाले। ये पहले हमने जो पढ़ा था ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं, इनमें निगेटिव भी है। इसी प्रकार डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं उसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करते हैं और निगेटिव लगाना हो तो वही सब्जेक्ट के बाद में इसमें भी नोट का यूज कर देते हैं, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जो होता है उसका उपयोग नहीं होता। डब्ल्यू एच वाले वाक्यों में आपके ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो। अब हम सबसे पहले जितने भी प्रकार के, हमने 6 प्रकार के यहाँ वाक्य की संरचनाओं के बारे में चर्चा करिए, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट वगैरह का यूज नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज नहीं होगा, केवल और केवल एक साधारण वाक्य होगा जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, वाक्य का पैटर्न होता है, वाक्य का एक फॉर्मूला होता है कि इस प्रकार के वाक्य को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस जोड़ देंगे, और वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ ऐसी चीज है, एडिशनल चीज है तो उसको जोड़ देंगे। क्या सूत्र बना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में और कुछ है तो अदर की श्रेणी में उसको रख करके जोड़, ये एक वाक्य की संरचना बनी है। याद रखने की बात ये होती है कि इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ हम एस या यस जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट है तो वाक्य में ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद में वाक्य में यदि कोई और शब्द है तो उसका उपयोग उसके बाद में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हम समझते हैं, हमारे पास हिंदी में एक वाक्य दिया गया, वह विद्यालय जाता है। इस हिंदी वाले वाक्य पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, सबसे पहले इसमें है आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। और उसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद में वर्ब का जो रूप है उसमें ता आ रहा है, तो यह बताता है कि प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ये बात जब क्लियर हो जाती है कि हमें यह पता चल जाता है कि वाक्य के निर्माण में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब हम अपने इस पैटर्न की तरफ चलते हैं। पैटर्न आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम छोटी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी वाक्य में काम को करने वाला जो वर्ड होता है, शब्द जो होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अगर एक शब्द में कहूं डूअर, डी ओ वी आर, जिसे मैं लिख रहा हूं डू ई आर, डूअर यानी काम को करने वाला, ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखो, वह सब्जेक्ट है, वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? वह। अब ये वह शब्द को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ही। क्या बोलते हैं? ही। तो हमने इस पैटर्न के अनुसार सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहां विद्यालय आ रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो आपकी वर्ब बन रही है, इस वर्ब, वर्ब जाता है को अंग्रेजी में कहते हैं गो। अब गो वर्ब ही गो लिखेंगे, गो के बाद हम चेक करेंगे कि क्या गो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट एस या एस लगेगी नहीं, तो ये गो जो वर्ब होती है ये अपने आप में प्लूरल है, लेकिन इधर सब्जेक्ट है सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो हम सब्जेक्ट के पास चलते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे। अब ओ आ रहा है एंड में, तो अब दो चीजें जोड़ सकते हैं, या तो एस जोड़ सकते हैं या एस जोड़ सकते हैं। हम एस जोड़ेंगे या एस जोड़ेंगे, तो हम शब्द को देखते हैं, वर्ब का अंतिम शब्द देखते हैं ओ। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखे नियम में लिखा था कि ये एस आ जाए, डबल एस, एच, एस एच, एक्स, ओ हो तो ई एस जोड़ते हैं, तो ये हमारे नियम की पूर्ति कर रहा है। ओ आ रहा है तो इसके एंड में क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। ही गोज, यहां तक कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट आ गई और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ गया। अब वह कहां जाता है? विद्यालय, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल। तो टू, किसी भी स्थान से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सामान्य यदि किसी स्थान पर हम जाते हैं तो सामान्य गति से जाने के लिए टू का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो ही गोज टू स्कूल। इसी प्रकार से अगला, हम पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ हम आ रहा है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो वही है आ रहा है, प्रेजेंट हो गया, तैयार है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। इधर हम सब्जेक्ट के पास सकते हैं हम। अब हम में कोई एक तो है नहीं, तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, तो वी लिख दिया हमने अंग्रेजी में, हमको क्या कहते हैं? वी। तो वी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। ही रीड, फिर क्या पढ़ते हैं? ए बुक, तो वह एक पुस्तक है, हम पुस्तक पढ़ते हैं या हम एक पुस्तक पढ़ते हैं। ही वी रीड ए बुक। इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस तक का आपका जो मैटर है वो क्लियर हो जाता है। इस तरह से कम अपने घर पे 10-15 वाक्य बनाएं और उनका प्रैक्टिस करें। इस फॉर्मूले को आप यूज में करते हुए वाक्यों को बनाएं। ध्यान क्या रखना है? वाक्य के अंदर ता और है आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए और वर्ब के बाद में है आना चाहिए। तो इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए उसमें एस या एस जोड़ते हुए, अब जैसे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट पर्सन में, जैसे दो सब्जेक्ट होते हैं आई और बी, सेकेंड पर्सन में होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट या किसी का नाम, इन सब का प्रयोग करके यदि आप इन पर एक एक सेंटेंस भी बनाएंगे तो कम से कम 10 सेंटेंस क्रिएट होते हैं। और इन नियमों का यूज करते हुए आप यदि 10 सब्जेक्ट सेंटेंस बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी आएगी। आप आराम से ये प्रेजेंट सिंपल जो टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।